के संसद में आज भी हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। अड़ानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक रहने वाला है। अड़ानी मामले लोगों को इंस्टिगेट करती वो करती। कर्नाटक में तो इतने इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त आए, उसके बाद भी आए, जैसा वहाँ HMT था, HAL भी था, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्री था, इसरो है, सो मेनी पब्लिक। इन्होंने कोई नया आज एक जादू नहीं बनाया, ये तो ऐसे ही उनको एक बहाना होना था कि चुनावी प्रचार के लिए जाना है। कैसा जाना? तो ऐसे जो पुराने हैं स्कीम्स उसको इनॉग्रेट करना या उसका फाउंडेशन स्टोन डालना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, नए इंडस्ट्री लाने के लिए नहीं जा रहे। हाइसो पब्लिक सेक्टर क्लोज कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और यहाँ बाहर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रिवेंट कर रही है, नए इंडस्ट्री लाने नहीं दे रही। अरे हम जो इंडस्ट्री लाए थे कांग्रेस पार्टी और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, आज कम से कम पब्लिक सेक्टर में 10 लाख लोग काम करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो ये लोग चुनावी प्रचार के लिए गए हैं, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए नहीं। सर, अडानी पर संसद से सड़क तक हंगामा है, कांग्रेस का कहना है अडानी और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, ये तो पहले हम कहे हैं और कल राहुल जी भी कहे हैं, तो हमारा कहना यही है कि हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आप लोग हमारी चर्चा को मान लेके जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है, या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जो बोल रहे हैं हम, JPC, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए, इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? तो ये चर्चा से वो लोग भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। अभी हम उठने तक, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 3 दिन मैंने भी वहाँ बैठा था, एक शब्द भी वहाँ हमारा आया है कोई अपोज करने का या गड़बड़ करने का? वो कोई बात हम उठाते हैं उससे पहले ही वो अडजर्न करते हैं। जो नोटिस हम दे रहे हैं रूल 267 के तहत, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलना कि ऑर्डर में नहीं है, रिजेक्ट करना, चले जाना, उठना, ये हमारा है। भाई आप कोशिश किए क्या सदन चलाने के लिए? कितने बार मिले, कितने बार बुलाए, मीटिंग्स हो गए, सब ये हमारे ऊपर ये वो हमेशा हल्ला ऐसा ही करते हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं। और मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि BJP के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है किस ढंग से झूठ बोले और लोगों को भ्रमित करें। अब बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरों में भी अभी आपने देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी पर या फिर कहें कि मोदी सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया गया, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के ही ऑफिस में ये बैठक होगी। 10 बजे विपक्ष की इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें अड़ानी मामले को लेकर आज विपक्षी दलों की बैठक होगी और हंगामे के आसार कहीं ना कहीं इस बैठक में नजर आ सकते हैं। 10 बजे इस बैठक का आयोजन होगा, जहां संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया है।